सभी को राधे राधे। ब्रज की माटी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे मथुरा के गिहा मंडी मार्ग पर स्थित श्री राम जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर विग्रह, उसके दर्शन आपको कराएंगे। तो जय श्री राम लिखते हुए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो आइए करते हैं दर्शन। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। मथुरापुरी में चौक बाजार गिहा मंडी मार्ग पर स्थित यह प्राचीन राम जी का मंदिर, जो कि मथुरापुरी में एक सुविख्यात मंदिर है। मंदिर ठाकुर श्री रामचंद्र जी महाराज, ऐसा सुंदर मंदिर कि जिसकी अलौकिकता, दिव्यता और प्राचीनता मंदिर प्रांगण में स्वतः ही दर्शित होती है। यह प्राचीन मंदिरों की नगरी मथुरापुरी, और इस मथुरापुरी में सुंदर सुंदर मंदिर व्यस्ततम बाजार के मध्य, क्योंकि प्राचीन मथुरापुरी यहीं सघन बस्तियों के बीच आज भी बसी हुई है, और इस सघन बस्ती के मध्य में सुंदर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन, उन्हीं एक दर्शनों में से प्राचीन मथुरापुरी का यह श्री राम जी का मंदिर गिहा मंडी। रामनवमी के दिन इस मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी के दर्शन की इतनी भीड़ रहती है कि कहें कि पैर रखने को जगह नहीं होती, तो वास्तविकता में पैर रखने की ही जगह नहीं होती। अयोध्यापुरी के समकक्ष लोगों की मथुरापुरी में मान्यता है, और हजारों श्रद्धालु यहाँ रामनवमी के दिन दर्शन के लिए आते हैं, और मथुरा नगर में शोभा यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है और पूरे नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा जाती है। और मथुरा पुरी का यह प्राचीन सुंदर ठाकुर जी का मंदिर नैनाभिराम दर्शन इस मंदिर के अंदर ठाकुर जी के, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेसदे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। क्या अलौकिक दर्शन इस मथुरापुरी में इन ठाकुर जी की निधियों के स्वरूप के हैं। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ यह मथुरापुरी, जो कि ऐसा कहा गया है कि मथुरापुरी की स्थापना बैकुंठ से पूर्व ही ठाकुर जी ने रची थी, और जब बारहा भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी देवी को संघर्ष के बाद रसातल से निकाल कर लाए, तो पहला जो उन्होंने पृथ्वी को दर्शन कराया वह मथुरापुरी का कराया, और मथुरापुरी के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर ठाकुर जी ने उसका स्थापन किया। यानी कि सृष्टि का पहला नगर मथुरा, मथुरापुरी, और मथुरापुरी में अलौकिक दर्शन, इन दर्शनों की श्रृंखला। मथुरापुरी में यह मंदिर मथुरापुरी के मध्य चौक बाजार में स्थित है, जिसे घिया मंडी चौक बाजार क्षेत्र कहते हैं। अगर आप भरतपुर गेट से आएंगे तो यह मंदिर आपको दीर्घ विष्णु मंदिर के पश्चात पड़ेगा। आप मसानी से सीधे वृंदावन से आते हैं तो आप चौक बाजार आगे दर्शन कर सकती हैं। होली गेट से द्वारकाधीश विश्राम घाट होते हुए भी आप चौक बाजार आ सकती हैं। सीधे जन्म स्थान से आप डीग गेट से मंडी रामदास वाले मार्ग पर होते हुए इस मंदिर के लिए आ सकती हैं। यानी सर्व सुलभ,
साधनों से युक्त यह स्थान कि यहाँ अगर ठाकुर जी आप पे कृपा करें और आपको दर्शन करने के लिए आना है तो कहीं कोई बाधा नहीं, आप सुलभ इन दर्शनों को कर सकती हैं।